राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संभोग वसिका का बहुत ही सरलतम प्रयोग देने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से किसी युवक युवती स्त्री पुरुष का वसिका आसानी से आप कर सकते हैं। इस प्रयोग में एक लाल पेन की, एक कागज की आवश्यकता है और यहाँ पर मैं एक मंत्र दूंगा, उसकी आवश्यकता है। एक एक स्टेप जरा ध्यान से देखने, सुनने का, समझने का प्रयास करें। जब भी आप इस प्रकार के वसीकरण का प्रयोग करें तो यह ध्यान आप दें कि जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, जिसे शादी करना चाहते हैं, या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, या आप लोग का संबंध ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे दूरियां बनती जा रही है, वहां इसका प्रयोग करके आजमाइएगा। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो मन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ किसी टोटके का, किसी तंत्र का, मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पहले अपनी एनर्जी को भलीभांत रीड करना है और अगले की भी एनर्जी आपको रीड करना है। यदि एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग आप करेंगे तो उसमें सफलता जल्दी मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सफलता ना के बराबर मिलती है। कभी कभी तो प्रयोग करने के बाद कोई सफलता भी नहीं मिलती है, तो मन में ऐसा लगता है कि इस टोटको में, इस मंत्र में कोई प्रभाव नहीं है। तंत्र मंत्र टोटको में प्रभाव होता है श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो ही यह काम करता है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की। यदि आप नहीं समझ पाते कि आपकी एनर्जी कैसी है तो अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं उसका कोई लेटेस्ट फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। और जब भी कोई आप वसीकरण का प्रयोग करें तो एकांत में करें, किसी का टूक नहीं लगना चाहिए। किसी को बता के यह प्रयोग ना करिए कि मैं यह प्रयोग करने जा रहे हूँ या जा रहा हूँ। कोई जान ना पाए कि आप क्यों कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं। किसी का टोक नहीं लगना चाहिए, एकांत में प्रयोग करना है। और प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट का स्मरण करना कदापि ना भूलें, उनको स्मरण करिए और उनसे मन ही मन आप कहिए कि हे भगवान, मैं इस प्रयोग को करने के लिए आपसे मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ या प्राप्त करने चाहते हो, कृपया हमको मानसिक आदेश और आशीर्वाद दें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव से भी सेम चीजें कहनी है कि हे गुरुदेव, मैं इस प्रयोग को करने के लिए आपसे आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ, कृपया हमको आदेश और आशीर्वाद दें। मानसिक रूप से कहना है, उनके पास जाके नहीं करना है। और यदि आपके पास कोई गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं देता है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु की तलाश करके ही कोई प्रयोग करें। और यदि आपके पास कोई गुरु नहीं मिल रही है तो परेशान भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और इस रिप्लाई में मैं आपको हट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, अपने बहनों से, माताओं से या भाइयों से, कि जब भी आप हमसे संपर्क करें तो व्हाट्सएप का प्रयोग करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा फोटो और जो भी समस्या हो साफ साफ लिखना चाहते हैं, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं उसका कोई फोटो आप भेज दीजिएगा। इससे मैं एनर्जी रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। तमाम भाई लोग, बहने, माताओं लोग क्या करती हैं कि तुरंत फोन नंबर है ही है, तुरंत कॉलिंग करना शुरू कर देती है।
कॉलिंग करने से कोई फायदा तो होता नहीं है, इतने फोन आते हैं कि सबका फोन रिसीव हो ही नहीं सकता है। और फोन कॉल रिसीव करने के बाद में मैं यही बोलता हूं कि आप व्हाट्सएप पर आए, अपना नाम अपना तुरंत खींचा फोटो और जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए, तो फायदा तो कुछ है नहीं। हाँ, मैं जिसको समय दूं वही कॉल करे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, कृपया व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। आपने लाल पेन लिया, कागज लिया, अपना मुख उत्तर या पूर्व कर लें और कागज पर आपको 35 बार मंत्र लिखना है, ओम बस्यम स्वाहा, ओम बस्यम स्वाहा 35 बार लिखिए। उसके बाद उसका नाम लें और अपने हृदय में उसके बारे में सोचिए कि वह यहाँ, उसका तस्वीर यहाँ पर है, वह यहाँ पर विराजमान है। बस इतना ही करना है, उसके मन में आपके प्रति अग्नि भड़क जाएगी, वह आपके प्रेम में पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी। वह स्वयं अपने प्रेम का इजहार करेगी, उसने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेगी, आपसे मिलना चाहेगा या मिलना चाहेगी। छोटा सा प्रयोग है, अजमा के देखिए। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर सकता है, पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।